पुलिस वाले ने तो हमें रोक लिया क्योंकि हमारे बैग में बहुत सारी बंदूकें हैं। तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य चौहान। कैसे हो आप सब लोग? तो दोस्तों, आज है ट्यूसडे, पापा की छुट्टी और मेरी छुट्टी, और आज हम जा रहे हैं सदर बाजार। हम मेट्रो से उतर गए हैं। हाय गाइस, हम मेट्रो से उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सदर बाजार। ओ गाइस, ये देखो यहाँ पे खतरनाक बंदर, यहाँ पे बहुत सारे बंदर, एक तो हेरा, आगे भी बहुत सारे। ये देखो गाइस, बहुत सारे मंदिर, और पापा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है ताकि वो मुझे उठा के ना ले जाए। तो दोस्तों, मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गया और हम सदर बाजार जाने के लिए पकड़ेंगे एक रिक्शा। तो दोस्तों, हम रिक्शा में बैठकर चल पड़े सदर बाजार की तरफ। तो दोस्तों, हम सदर बाजार आ गए और यहाँ पे बहुत गर्मी और मेरे पेट में भी बहुत खुजली हो गई, तो फिर आ जाओ मेरे साथ। तो दोस्तों, ये सदर बाजार और यहाँ पे खिलौने ही खिलौने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे खिलौने की बहुत सारी दुकान है। तो दोस्तों, ये है खिलौने, यहाँ पे छोटी छोटी गली में बड़े बड़े दुकानें हैं, हर बड़ी बड़ी दुकान में बहुत सारे खिलौने हैं। हमने सदर बाजार में घूम घूम के सारे खिलौने देख लिए। तो दोस्तों, हम सदर बाजार में कॉक लेने आए हैं। हमने वो वाली वीडियो तो देखी होंगी जिसमें पापा जंगल लेकर आए थे, उसमें पापा बहुत सारे बैडमिंटन भी लेते और उसमें पापा कॉक लाना ही भूल गए थे। तो हम सदर बाजार में कॉक लेने आए और बहुत सारे खिलौने भी। गाइस, ये देखो, हमने सदर बाजार से इतने सारे खिलौने ले लिए और बाकी खिलौने बैग के अंदर है, और तीसरा बैग कहाँ गया? अरे कहाँ गया? अच्छा, वो तो नीचे है। तो हमने तीनों बैग में खिलौने भरे हुए हैं। तो दोस्तों, मेट्रो स्टेशन पहुँच गए, पापा टिकट लेकर आगे गए और हम चेकिंग करा रहे हैं। पुलिस वाले ने तो हमें रोक लिया क्योंकि हमारे बैग में बहुत सारी खिलौने वाली बंदूकें हैं, और उन्होंने कहा कि मेट्रो में खिलौने वाली बंदूक ले जाना मना है, तो फिर हमें वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों, उन्होंने हमें मेट्रो में जाने नहीं दिया क्योंकि उनको लगा कि असली बंदूक है। तो दोस्तों, हमने सत्र बजा में उनको ये गन वापस करी और फिर हम गए दोबारा मेट्रो स्टेशन। तो हम दोबारा मेट्रो में आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये रहा इसका पेन। तो दोस्तों, अगर आपको इसका पेन ना मिले और ये खो जाए, तो फिर हम इसको नाखून से भी लिख सकते हैं, पेंसिल से भी और इरेजर से भी। इसको दबाने से ये मिट जाता है, और इसके पीछे ये होता है, ये कुछ ये, और इसको जैसे बंद करेंगे और इसमें कुछ लिखेंगे कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं मिटेगा। देखो, अब मैं इसको ऑन करता हूँ। अब देखो गाइस, ये मिट चुका है। अब मैं इसको मिटाता हूँ। देखो गाइस, ये पूरा मिट चुका है। 12 इंच का राइटिंग बोर्ड आपको भी ये चाहिए, तो फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर है,
उधर से मुझे मैसेज भेजिए, आपको भी ये मिल जाएगा। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, अगर अच्छी लगे तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करता। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।